हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसी ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। आफ्टर 4 इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो इससे पहले भी हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखे थे। जो हमारे पास गिवन नहीं होता उसे हम अज्यूम कर लेते। हरी एंड हैरी, हरी एंड हैरी, उनकी एजेस का रेशो 5:7। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट देयर एजेस, देयर एजेस 5x एंड 7x। आफ्टर 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, इट मीन्स लेट देयर प्रेजेंट एजेस, लेट देयर प्रेजेंट एजेस हमने अज्यूम कर ली 5x एंड 7x। एंड आफ्टर 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, इट मीन्स प्रेजेंट एज से 4 इयर्स बाद में, तो उनकी एजेस हो जाएगी 5x+4। हरी की एज हो जाएगी 5x+4 और हैरी की हो जाएगी 7x+4। भाई सिंपल सा लॉजिक है। प्रेजेंट एज हरी एंड हैरी की, उनकी जो प्रेजेंट एज थी हरी एंड हैरी की 5x एंड 7x थी। 4 इयर्स बाद हरी की एज कितनी हो जाएगी 5x+4 एंड हैरी की कितनी हो जाएगी 7x+4। आफ्टर 4 इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, 4 इयर्स के बाद तो उनकी एजेस ही हैरी की एज ये है और हैरी की ये, तो उनका रेशो कितना हो जाएगा 3:4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है देखिए। 5x+4 एंड 7x+4 दोनों की एजेस, 4 इयर्स के बाद दोनों की एजेस का रेशो, रेशो का साइन ये होता है 7x+4, वो कितना हो जाए 3:4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब रेशो मीन्स क्या होता है डिवाइड, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5x+4 upon divide 7x+4 एंड 3:4 मीन्स 3/4। रेशो मीन्स डिवाइड होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में चली जाती है इक्वल टू के उधर, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। अब देखिए 5x+4 से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 7x+4 से 3 मल्टीप्लाई हो, तो इसे मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं 5x+4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7x+4। अब सिंपल इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 5 20x, 4 4 60 एंड 3 7 21x + 3 4 12। LHS साइड देखिए वेरिएबल है, 21x प्लस का इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 16 कांस्टेंट है उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि LHS पार्ट में वेरिएबल्स होते हैं और RHS पार्ट में कांस्टेंट को रखकर हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 20x ऑलरेडी LHS पार्ट में, 21x वेरिएबल पार्ट RHS में, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 21x, 12 और ऑलरेडी कांस्टेंट RHS पार्ट में, प्लस 16 RHS में ट्रांसफर करने पर माइनस 16 हो जाएगी। अब देखिए 20x माइनस 21 में से 20 माइनस करेंगे 1x, इट मीन्स x। अब जो बिग डिजिट है हमारे पास, लार्ज डिजिट हमारे पास 21 है, उसके साथ साइन किसका है माइनस का, तो इसके साथ साइन लगेगा माइनस इज इक्वल टू, अब ऐसे यहाँ पर 12 माइनस 16, बड़ी वाले डिजिट के साथ माइनस का साइन, तो रिजल्ट तो माइनस में आना है, 16 में से 12 माइनस कर देंगे 4, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 4। और एक्स हमने क्या अज्यूम किया था, उनकी एजेस, लेट देयर एजेस, अब जो उनकी प्रेजेंट एज है वो फाइंड करनी है हमें, तो हैरी की जो हमारे पास एज हो जाएगी हैरी, ये हमारे पास 5x है, x की वैल्यू पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4
20 ईयर्स हो जाएगी हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास हैरी की एज, हैरी की जो एज है वो फाइंड कर लेंगे हम 7x, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 है, 7 × 4 28 ईयर्स हैरी की एज हो जाएगी, दैट इज आंसर।